जी रैगिंग ही है सर, उस पे इतना प्रेशर डाला गया रैगिंग का, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया गया सर जी, टाइम पे उसको बाहर जाने नहीं दिया गया सर जी, ना ही उसको पढ़ने दिया जा रहा है, ना ही उसको सोने दिया जा रहा है, उसको कमरे की बत्ती बंद करके अंदर बंद कर दिया जा रहा है बच्चे को। सर कॉलेजों में अगर बड़े बच्चे हैं, सभी माँ बाप भी हैं, आप अपने बच्चों को यही शिक्षा डालते कि आप जाके रैगिंग करो, और हम दूसरे स्टेट पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या उनकी कोई सेफ्टी नहीं है? आप माँ बाप हो हैं, आपके आपने भी उस उड़ीसा में भेज रखे होंगे अपने बच्चे, जिनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त कर रही हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पूछें और जाने वहाँ पे, कभी हमारे जो निशान के साथ हुआ है, कभी आपके बच्चों के साथ भी ये सब हो जाए, आप आवाज़ उठाएं हमारे साथ, हमारे बच्चों को इंसाफ दें। सपने पूरे करने के लिए महज 19 साल का लड़का मेहनत करके क्लास में टॉप करके नीट क्वालिफाई करके, बता दें आपको, ट्रेनिंग नहीं ली थी, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया था, वहां पर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया और अपना एडमिशन लिया उसने एक सरकारी कॉलेज के अंदर, ओडिशा के अंदर, और ओडिशा का बोलंगीर इलाका जहां पर भीमा भोई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। 19 साल का लड़का, वो देखने लगा था सपने डॉक्टर बनने के, उसके माता पिता देखने लगे थे कि मेरा बेटा जब नीट क्वालिफाई कर सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर और वो बुलंदियों को छू सकता है, तो वो अपने आप में एक ब्रिलियंट छात्र होगा, उसने चीजों को समझा होगा, उसने बेहतरीन पढ़ाई की होगी। लेकिन रैगिंग एक ऐसा हम कह सकते हैं अपराध है जिसके कारण बहुत सारे बच्चों की हमने जिंदगी जाती देखी है, और निशांत भी अपने सपनों को यहीं पर छोड़कर अब इस दुनिया में नहीं है। हत्या हुई है, आत्महत्या है, या फिर कोई हादसा है, ये जांच का विषय है, लेकिन ये बात जरूर सामने निकल कर आई है कि वो टॉर्चर हो रहा था, लगातार उसे टॉर्चर किया जा रहा था, लगातार उसे परेशान किया जा रहा था अपने सीनियर छात्रों की तरफ से। दरअसल होता क्या है, कई बार कॉलेज के अंदर रैगिंग रुक जाती है, ये बात हमने देखी है, लेकिन जो बॉयज हॉस्टल होता है या गर्ल्स हॉस्टल होता है, वहां पर जो सीनियर छात्र होते हैं वो लगातार रैगिंग करते, जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, वो उन पर दबाव बनाते हैं, वो उन्हें नंगा खड़ा कर देते हैं, वो उन्हें कुछ लेने जाना होता है तो वो कहते हैं कि उसको आप थप्पड़ मार कर आइए। इस अलग अलग तरीकों से रैगिंग की जाती है। निशान तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने के लिए जो एक मुहिम है वो छिड़ चुकी है। उनके भाई हमारे साथ हैं, उनके रिश्तेदार हमारे साथ हैं, क्या लगते हैं आप निशांत के? क्या जी, मैं निशांत का मामा लगता हूं जी। तो सर, हमारी हरियाणा सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ अपने माँ बाप की एक ही औलाद था, हमें सर इंसाफ चाहिए, इंसाफ उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैनेजमेंट, डीन सब मना कर रही है कि कुछ नहीं हुआ उनके जाने से पहले ही, सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। भैया पूरा मामला क्या है अगर आप एक बार बताएंगे तो? सर निशांत को गए हुए यहाँ से, उसके पहले कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस जो निशांत के पेरेंट्स वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट करवा दी, निशांत के साथ गए। अब वो दोबारा से उनके पास मैसेज आया कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, वो वहाँ पे चले गए क्लासेस स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद फिर उसको वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं, उसको 8 से 10 दिन से भी ज़्यादा नहीं हुआ, इस दौरान ही उसके साथ ये हादसा हो गया, और वहाँ इसका जो मर्डर किया गया है वहाँ के लोग इसको बिल्कुल मना कर रहे हैं। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ चाहिए। वो अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी सर, हम नहीं घूम सकते, हमारी रिक्वेस्ट है कि हम कुछ किसके आगे हाथ जोड़े। सर वो एक बच्चा हरियाणा का जो गया हुआ, उसको अकेलापन फील हुआ, उसके साथ वो सोशल मीडिया पे भी दोस्तों के साथ भी चैट करते हुए कह रहा है कि अगर आपने कंप्लेन कर दी तो सीनियर मेरे पता चल गया तो ये मेरे साथ और भी रैगिंग करेंगे, सर हमें इंसाफ चाहिए। अगर दूसरे देश में बच्चे चले जाते हैं उनकी सेफ्टी भी तो होती है, है ना, और पर यहाँ पर अपने देश में ही बच्चों को सेफ्टी नहीं मिलती। हमारे बच्चे MBBS इंजीनियर खड़े हुए, अगर इस तरह पर बात होते रहे तो कौन तो डॉक्टर बनेगा और कौन इंजीनियर बनेगा? आप इस बात को मोदी जी से हम दरखास्त करते हैं कि ऐसे कॉलेजों पर, इन पे सरकारियों पे
पूरी कोशिश करेगी इन पर लगाम लगाने की। हमारे बच्चे माँ के साथ वो टच में था, हमेशा बता रहा माँ के साथ, माँ बाप को बता रहा था, बता रहा था वो कि मैं परेशान हूँ। इन्होंने कहा कि परेशान कर कर रख दिया है, फिर भी माँ बाप ने कहा कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो आप, है क्या पता समय के साथ ठीक हो जाए। पर बच्चा ज्यादा ही परेशान हो चुका था जब उसने यह इतनी हिम्मत कर ली कि माँ बाप ने पेरेंट्स ने मतलब कि जो निशांत की मम्मी है उसने ये भी कहा कि हम कंप्लेन कर देते हैं इनकी, तो उसने निशांत ने मना कर दिया कि मम्मी कंप्लेन मत करना, अगर कंप्लेन कर दी तो सीनियर को पता चल गया तो वो मेरे साथ और भी रैगिंग करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ हरियाणा का मेरी नॉलेज में एक ही बंदा हूँ और मेरे को मैं किसी को जान नहीं सकता, मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानता, मम्मी मैं बहुत यहाँ पे। मम्मी ने फिर उसकी मम्मी ने ये भी कहा कि हम आ जाते हैं। नहीं मम्मी, उसके ये हादसा होने से पहले भी उसकी बात हुई, उससे पूछा कि मम्मी ने पूछा बेटा क्या बात है, वो खाना खा लिया, लंच कर लिया, बोले नहीं मम्मी, तो उसने कहा सिस्टर ने जो मेरी, मैं उसका मामा लगता हूँ निशांत का, तो उसने बात की, फिर उसने सिस्टर ने जो बात की तो उसको बोला कि जा बेटा पहले तू लंच करके आ, और लंच करने के आके फिर मेरे को कॉल करियो। लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई, उसका कुछ नहीं आया, वो उसका मुंह ऐसा था जैसे कि मतलब किसी को कह दे नहीं देते कि पता नहीं क्या, चारों तरफ से हथियार लगा दिए कि क्या लगा दिए उसको। रैगिंग से परेशान था सर, वो रैगिंग से परेशान नहीं था, उसका मर्डर ही रैगिंग से हुआ है, रैगिंग से परेशान नहीं था, वो इकलौती औलाद था। आप क्या समझोगे सर, मैं कैसे बताऊं। अब एक बात बताओ ना, वहाँ पे मीडिया भी, वहाँ पे मैनेजमेंट भी, सबके सब गए और वो मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अरे उनकी भी तो सुन लो, उनको भी तो संभाल लो, कम से कम इंक्वायरी करवा दो, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इकलौती औलाद था सर, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, जीने का कुछ भी नहीं बचा। सर निशांत ने विदाउट कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया, उसने कहीं भी कोचिंग नहीं ली, घर पे पढ़ता था, बिल्कुल डिसिप्लिन था उसके। करनाल के ऐसे हमें पता चला कि करनाल के जो स्कूल है प्रताप पब्लिक स्कूल, उसकी मैगजीन में भी उसके फर्स्ट पेज पे उसका फोटो आया है, टेंथ में भी उसका मेरिट लिस्ट में आता था, ट्वेल्थ में भी मेरिट लिस्ट में आया है, वो एक होनार छात्र था। सर ये लॉस सिर्फ यहाँ घर का नहीं हुआ है, ये देश का लॉस हुआ है। सर प्लीज हमारे माँ बाप भी बेरोजगार, सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सर हेल्प करो, इनके पास कोई जरिया नहीं है, जीने का भी नहीं है, खाने का भी नहीं है, कमाने का भी नहीं है, ये सिर्फ असहाय हो गए। माता पिता क्या करते हैं? सर माता और पिता दोनों के दोनों प्राइवेट काम कर रहे हैं, प्राइवेट इसके पालन पोषण के लिए। दीदी ने भी सोचा कि भी काम कर लो, वो भी काम कर रही है कि भाई इसका कहीं भाई घर का खर्चा चल जाए, चीजें सही हो जाए, और इसलिए उसको वहाँ पे भेजा भी था कि भाई उसके सपने साकार हो जाए। लेकिन वो सर उसको इतना परेशान किया गया उसको मैंने भी खुद बात की, मैंने उसको उससे बात हुई गोलू से, उसको निकनेम उसका गोलू है, निशांत को हम घर पे गोलू बोलते थे, ठीक है, उससे मैंने भी बात की भाई ऐसी कुछ बात है, ऐसा कुछ हो जाए तो बता देना। लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि बता भी नहीं सकता। जब घर की तरफ से कहा गया कि हम तेरे पास आएंगे तो उसने मना भी कर दिया कि यहाँ इनको अगर पता चल गया, मम्मी आप नहीं समझते ये चीज़ें, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं सिर्फ हरियाणा का यहाँ पे अकेला ही बंदा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है जी, मैं निशांत का मामा हूँ। आप क्या लगती हैं रिश्ते में? मैं उसकी चाची हूँ निशांत की। जी जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सरकारी कॉलेज खोल दिए गए हैं तो उनमें कोई सेफ्टी नहीं है सर जी। अगर सरकार उनको प्रिंसिपल को या वार्ड हैं जो, और वो टीचर हैं, उनको सरकार पैसा दे रही है तो सर वो आराम का पैसा है सरकार का, सर उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, उनको सर सस्पेंड होना चाहिए कि सरकार ऊपर से उनको कंट्रोल करे, है कि भाई हम तो उनको पैसा दे रहे हैं तो मैं बच्चों को भविष्य बनाने वास्ते दे रहे हैं, यानी कि बच्चों को मारने वास्ते नहीं दे रहे सर। हम तो ये दरखास्त करते हैं मोदी जी से कि आप हमको इंसाफ दो, और आप ही कर सकते हो ये काम, और कोई नहीं कर सकता सर। घटनाक्रम होने से पहले भी माँ से बात हुई थी? हाँ जी सर, वही थी माँ से बात, पर उसने उसके ऊपर इतना प्रेशर था सर कि भाई उसने कहा भाई मम्मी आप बताना नहीं किसी को, कहना नहीं कुछ, यार कहना हम अपने आप कर देंगे, थोड़ा बहुत अपने आप कर लूंगा मैं हैंडल, है फिर मम्मी ने कहा पापा को कहा, फिर बोले कोई नहीं होता रहता है, कॉलेजों में चलता रहता थोड़ा बहुत। सर इतना प्रेशर कि बच्चा आत्महत्या पर उतरा है सर,
और वो भी एक लौता सर जी, अरे इतना इंटेलिजेंट बच्चा, हमने अपने देश के वास्ते एक बढ़िया डॉक्टर खो दिया सर जी। हम तो आपसे रैगिंग ही सर, हाँ जी रैगिंग ही है सर, उस पर इतना प्रेशर डाला गया रैगिंग का, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया गया सर जी, टाइम पे उसको बाहर जाने नहीं दिया गया सर जी, ना ही उसको पढ़ने दिया जा रहा है, ना ही उसको सोने दिया जा रहा है, उसको कमरे की बत्ती बंद करके अंदर बंद कर दिया जा रहा है बच्चे को। सर कॉलेजों में अगर बड़े बच्चे हैं, सभी माँ बाप भी हैं, आप अपने बच्चों को यही शिक्षा डालते कि आप जाके रैगिंग करो, अरे हम दूसरे स्टेट पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या उनकी कोई सेफ्टी नहीं है? आप माँ बाप हो, आपके आपने भी उस उड़ीसा में भेज रखे होंगे अपने बच्चे, जिनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त कर रही हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पूछें और जाने वहाँ पे, कभी हमारे जो निशान के साथ हुआ, कभी आपके बच्चों के साथ भी ये सब हो जाए, आप आवाज़ उठाएं हमारे साथ, हमारे बच्चे को इंसाफ दें। आपका शुभ नाम? सर मैं उसकी चाची हूँ, मेरा नाम मंजू है। आप समझ सकते हैं कि सपने पूरे करने थे अपने माँ के, अपने पिता के, और अपने भाई के, अपने मामा के, मामा से भी वो कुछ नहीं बता रहा था। यही वो घर है जहाँ पर जो निशांत है वो खेल कर आगे बढ़ा, प्रताप पब्लिक स्कूल में उसने टॉप किया, और उसके बाद वो गया आगे, नीट क्वालिफाई किया। नीट बहुत बड़े बड़े धुरंधर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बिना कोचिंग के, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, लगन से पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब नीट क्वालिफाई किया तो उसका जो एडमिशन हुआ वो ओडिशा के अंदर जो बोलंगीर एक जगह है, जिला है, उसका जो इलाका पड़ता है वहाँ पर भीमा भोई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, उनकी सिस्टर हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। आपका शुभ नाम और कब से आप लगातार निशांत के टच में थे? सर मैं निशांत की कजन हूँ प्रियंका, वो मेरी मासी का बेटा है, और निशांत को भी वहाँ पे गए सिर्फ एक ही वीक हुआ था, लास्ट थर्सडे को उनको वहाँ पे छोड़ के आए थे, और वो लगातार पिछले 5-6 दिन से मतलब अपने पापा को भी बता रहा था कि आज हमें ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, अपनी मम्मी को भी बता रहा था। जब पेरेंट्स ने बोला कि कंप्लेन कर दें हम उसके अगेंस्ट, तो वो उस चीज़ से भी डर रहा था कि मैं इंडिविजुअली हाईलाइट हो गया तो मेरे को अलग से उसको वो करेंगे कंप्लेन, टॉर्चर करेंगे। वहाँ पे किसी मेडिकल ओडिशा के ही किसी सीनियर स्टूडेंट ने भी बता रखा है कि मतलब वो वहाँ से पास आउट है, या तो इतनी रैगिंग है कि किसी ने पहले कंप्लेन की थी, तो लगातार उस नए बच्चे को 15 दिन तक सबके बीच बुला के उसको थप्पड़ मारे गए हैं। तो वो इन चीजों से इतना डरा हुआ था कि अगर उसने कंप्लेन कर दी तो अलग से उसके साथ और टॉर्चर होगा। वो तो वो नए माहौल में गया था एकदम से निकल के, 18 साल का वो जस्ट था, उसको वो एडजस्ट होने का वो एक इन्वायरमेंट एक होता है कि एक कोऑपरेशन मिलती है, वो चीज नहीं मिली, उसको टॉर्चर मिला। वो उस चीज से इतना डर गया कि वो वीडियो कॉल पे आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहा था पेरेंट्स से। लास्ट टाइम जब 2:30 पे मौसी की बात हुई है उससे, मौसी ने उससे पूछा है कि तेरे को क्या हुआ है, उसकी आंखें स्वेल्ड और मतलब फेस से ये लग रहा था कि जैसे उससे हाथ मारपीट हुई है या जो भी हुआ है। उन्होंने ये बात डिस्कस की फोन करते ही कि निशांत से बात हुई है, निशांत बहुत डरा हुआ लग रहा है, क्या हम चले उसके पास? जब तक ये डिस्कस होता आधे घंटे बाद उनके पास फोन आ गया था कॉलेज से कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा ऊपर से गिर गया है और आप सभी यहाँ पे आ जाओ। अभी तक जो हमें लग रहा है कि वो मारा गया है, जो रैगिंग उसके साथ चल रही थी, जो लगातार 4-5 दिन से हमें बता रहा था, तो सीनियर्स ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है, वो कभी भी अपने आप ऐसी चीज नहीं सोच सकता कि वो, बिकॉज वो पहले भी हम सब जानते हैं उसका नेचर, इतना इनोसेंट, इतनी काम पर्सनैलिटी थी उसकी, मतलब उसको सिर्फ स्टडी और अपना फोकस, मतलब करियर से इतना शांत रहता था और वो फोकस था काफी। वो ऐसी चीज मतलब मौसी जब परेशान होती थी, 16 इयर्स का वो जस्ट था, वो मौसी को भी समझाता था, अपनी मम्मी को समझाता था, ऐसा समझदार बच्चा, वो खुद अपने आप ऐसा स्टेप कैसे उठा सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालीफाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने जस्ट विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूशन वगैरह, उसने खुद सेल्फ स्टडी से फर्स्ट उस अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लिया था ये, और इसका ये सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हुआ था ओडिशा में। वहाँ पे क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कल भी जो वहाँ पे गए हुए थे हमारे फैमिली से, जो कॉलेज के डीन वगैरह हैं, वो मिलने से भी कतरा रहे थे, वो वेट करते रहे, वो बोल रहे थे मीटिंग चल रही है हमारी। इससे पहले भी एक सुसाइड हुआ है वहाँ पे, एक लड़की ने 1 साल पहले किया है,
जो डीन ने 4-5 लाइन उसके केस में स्ट्रेट कर रखी है, सेम 3-4 लाइन सिर्फ वो अब बोले हैं। जैसे तो उनका एक मतलब माइंड सेट है कि ऐसा कुछ होगा तो बस इतना ही बोलना है। और रैगिंग के मतलब एक तो होता है इन्वेस्टिगेट करना, ऐसा कुछ हुआ है तो वो लोग तो साफ मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। प्रेशर में वहाँ पे किसी, मुझे लगता है वो लोग उनको सबको नॉलेज में है और वो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि निशांत ने ये भी बताया कि टीचर्स भी हेजिटेट कर रहे हैं। टीचर्स ने उसको ये बोला है कि हमारे कॉलेज में तो रैगिंग कम है और कॉलेज में तो इससे भी ज्यादा है। इसका मतलब उनकी नॉलेज में ये तो है कि रैगिंग हो रही है, इतना तो उनको भी पता है। हाँ जी, वो कॉलेज का ही हॉस्टल था। तो टीचर्स को भी ये नॉलेज में है कि रैगिंग हो रही है, मतलब उनको ये बोल रहे हैं कि हमने तो इससे भी ज्यादा रैगिंग फेस की हुई है। बट वो बच्चा इतना सेंसिटिव था कि वो उतने लेवल को भी मतलब बहुत ज्यादा उससे डर गया था वो। आप कौन लगती हैं? मैं उसकी निशांत की कजन हूँ, मैं उसकी मासी की बेटी हूँ। शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका। आपने सुना मामा को भी सुना, उसकी चाची को भी सुना और उनकी बहन को भी सुना। आपने ये तो समझ लिया होगा कि निशांत कितना समझदार लड़का था। 19 साल में समझदार नहीं होते हैं बच्चे, बचपना होता है उनमें। एक हम ये कह सकते हैं कि बड़ी लालसा होती है, बड़ी चाव होता है, हम ये खरीदेंगे, हम वो खरीदेंगे, ये वाला फोन ले दो, हमें ये वाली बाइक ले दो। लेकिन वो लड़का बिल्कुल शांत स्वभाव का था, वो हमेशा पढ़ाई पर फोकस करता था क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने थे, अपने माता पिता के सपने पूरे करने थे। नौतना जी हैं हमारे साथ। नौतना जी, एक बेहद दुखद खबर है, एक डॉक्टर जो हमारा भविष्य का था वो चला गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मेरे वार्ड का बच्चा बड़ा होनहार बच्चा था, ये पूरे हरियाणा की शान था और इकलौता ऐसा बच्चा था, ये पूरे हरियाणा में से केवल एकमात्र ये बच्चा था, निशांत प्रजापति इसको इसका नाम था। तो इसका वहाँ पे नंबर पड़ा था बच्चे का और बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था अपना, लेकिन सीनियर्स ने बड़े मतलब कि इसके साथ में निर्दयता से इसके साथ में व्यवहार किया और इसे जो गालियाँ कभी सोच भी नहीं सकते, जो एक अच्छा बच्चा मतलब कभी सोच भी नहीं सकता, जहन में नहीं लगा ला सकता, उस बच्चे से उन लड़कों ने, निकम्मे लड़कों ने उस बच्चे के मुंह से वो गालियाँ निकलवाई और वो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने अपने माँ बाप से बात की, अपने दोस्तों से बात की, हम सब ने बड़ा समझाया उसे, लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पता नहीं अब कह नहीं सकते कि भाई वो ऊपर से गिरा है कि गिरा गया है। देश में एंटी रैगिंग कांड गए हैं जहाँ पर रैगिंग होती है, सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत मतलब कि आप, मैं कह नहीं सकता कि भाई इस परिवार के साथ में क्या बीत रही होगी। उस रैगिंग की वजह से एक परिवार उजड़ गया, ना कोई एक, ना कोई लड़का है आगे, ना कोई बहन थी उसकी। तो आप मतलब मैं कह नहीं सकता कि आज बहुत बुरी स्थिति में हमारा पूरा वार्ड बहुत दुख की स्थिति में है। जिस तरीके से दहेज प्रथा एक अभिशाप है, उसी तरीके से कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर रैगिंग भी एक अभिशाप है। और अगर रैगिंग को खत्म नहीं किया गया तो ना जाने निशान जैसे कितने और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, कितने और माता पिताओं को अपने बच्चों को खोना पड़ेगा और ना जाने कितने और सपने इस तरीके से चकनाचूर हो जाएंगे। क्योंकि निशान तो अब इस जिंदगी में नहीं है, उस हमने एक भविष्य का डॉक्टर खो दिया, एक इंटेलिजेंट लड़का खो दिया, महज इस कारण से क्योंकि रैगिंग के कारण उसको टॉर्चर किया जा रहा था। हत्या है, आत्महत्या या फिर कोई हादसा, ये जांच का विषय है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।